डिक्टेट करती है ये, और अधिकृत हमें किया है कि हम वार्ता करके उनके बीच में जो भी हमारे पास आता है, जो डेवलपमेंट है, पहले उनके बीच में जाके रखें, उनकी सहमति लें और तब उसको। सर, आप हमें ये बताइए कि आपका क्या डिसीजन है, आप हमें ये बताइए सरकार ने आपका क्या प्रपोजल है, क्या माना है सरकार ने, आपकी जो मांग थी कि हम संयुक्त मोर्चे में चर्चा करने से पहले कुछ नहीं बता सकते। एक छोटा सा अहम सवाल, लेकिन आप लोग नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, सरकार आपसे कुछ कदमों की दूरी पर है, लेकिन सरकार के साथ औपचारिक टेबल पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है और सरकार आपसे फोन पे ही क्यों बात कर रही है? देखिए, अब हर जो संस्था है, वो सरकार है या हमारा संगठन है या कोई भी है, उसकी अपनी कार्यशैली होती है। सरकार की भी हो सकता है ये कार्यशैली हो, सरकार नहीं चर्चा कर रही है तो उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं हम। हर आदमी को अपनी कार्य शैली का निर्धारित करने का अधिकार होता है कि उसको किस तरह से वार्ता करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। सरकार की भी कोई रणनीति हो सकती है, हमारी भी कोई मसौदा अपनी जगह, सरकार की है जो रणनीति है फोन पे बात करने की, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, हमें ये आवश्यक नहीं है कि सरकार वार्ता हमसे नहीं करना चाहती, ये जरूरी नहीं है। हमारा अपना कार्यक्रम है और सरकार का अपना कार्यक्रम है, सरकार की वार्ता दोनों करना चाहती है, परंतु कोई ठोस कॉन्क्रीट उनके पास भी हो, हमारे पास भी हो, तब वार्ता की स्थिति बनती है। चिदंबरम साहब, जो कल आपने को प्रपोजल आगे बढ़ाया था, निकले आगे बात बड़ी है कुछ सरकार की तरफ से, जो ड्राफ्ट आया है आशान्वित है, प्रगति पर है, प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं बता। ऐसा ऐसा है जी, अगर तो 100% मानी जाती फिर तुम आपको अभी कह देते, अगर बिल्कुल इनकार कहो तो फिर भी कह देते, बीच में लटक रहे हैं, वहां जाके क्लियर कर लेंगे। आप पहले से तरक्की में है, पहले से तरक्की। अरे आओ भाई।